आखिर कैसे कृष्ण के बेटे साम की उदंडता बनी यदुवंश के अंत की वजह, आखिर क्यों हुआ यादवों का समूचा विनाश, आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देख इस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। जाको प्रभु दारुण दुख दिना ताकि मति पहले हर लिना, अर्थात जब भी कभी इंसान पर घोर विपत्ति आने को होती है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ऐसा ही एक वृतांत हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। महाभारत में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इससे तो हम सब वाकिफ हैं, पर महाभारत के युद्ध के बाद की कहानियां भी कम यादगार नहीं है। इनमें से एक कहानी है सांब की, जिसकी उदंडता यदुवंश के अंत का कारण बनी। दरअसल महाभारत के युद्ध में यदुवंशियों की नारायणी सेना कौरवों की ओर से युद्ध में लड़ी थी। युद्ध के बाद सब अपने सामान्य जीवन में लौट गए। श्री कृष्ण के पुत्र थे सांब, जिन्हें एक दिन शरारत सूझी। उन्होंने अपने पेट पर कड़ाही बांध ली और अपने मित्रों के साथ जाकर रहा चलते लोगों से पूछने लगे कि बताइए इसमें लड़का है या लड़की। ऐसा करते करते वह ऋषि मुनियों के पास पहुंचे, उनसे भी पूछने लगे बताइए ना इसमें लड़का है या लड़की। पहले तो ऋषि मुनियों ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की कि ऐसा ना करे, पर बच्चों की उदंडता बंद नहीं हुई। आखिर में क्रोधित होकर ऋषि ने कह दिया कि इसके भीतर जो कुछ भी है वो इस कुल के नाश का कारण बनेगा। ऋषि की ये बात सुनकर सब बच्चे डर गए। उन्होंने समुद्र किनारे जाकर लोहे को घिस घिस कर राख बनाकर उसको समुद्र में बहा दिया। समुद्र के बहाव से लोहे की धूल किनारे पर आ गई, जहां लोहे के कारण तीखी नुकीली घास उग गई। इसके कुछ समय बाद यदुवंशी परिवार नौका विकार पर निकले। रास्ते में उन्हें बीच विवाद होने लगा, पांडवों और कौरवों में किसने अधिक छल का प्रयोग किया। ये विवाद इतना गहरा हो गया कि ये लड़ाई में परिवर्तित हो गया। सब ने किनारे पर उगी काटीली घास से एक दूसरे पर वार किया। देखते ही देखते पूरा यदुवंश लहूलुहान होकर गिर गया। इस हिंसा के आहत बलराम ने जहां समाधि ग्रहण कर ली, वहीं भगवान कृष्ण भी अपना घर छोड़कर वन की ओर चले गए, जहां एक निषाद के तीर से आहत उन्होंने मृत्यु लोक प्रस्थान किया। अगर गहराई से देखे तो इस पूरे विध्वंस का सबसे बड़ा कारण गांधारी द्वारा भगवान कृष्ण को दिया गया श्राप था। यदुवंश के समाप्ति के साथ ही द्वापर युग भी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया और कलयुग के आगमन का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो इस तरह सांब के एक उदंडता की वजह से पूरी यदुवंशियों का नाश हो गया। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। साथ ही देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।